आप सबको विशेष नमन करता हूं, आपने इस कार्यक्रम को ऊर्जा दिया। साहब एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाएं, मस्ती के साथ सुनिएगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी आए हैं, नमन करता हूं। अनिल भाई हर साल ये बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं और प्रवीण भाई इस कार्यक्रम को करने में उनको बधाई देता हूं। प्रवीण भाई आ जाओ, यहां बैठ जाओ, आप हमारे डेरा प्रमुख हो। अरे डेरा प्रमुख के लिए ताली तो बजा दो यार, इतनी बढ़िया बात कह दी मैंने, इतना पद दे दिया, बहुत अच्छे। पर पता नहीं बीच बीच में काम में गुफा में निकल जाते हैं। मस्ती के हैं भाई साहब प्रवीण भाई, बिल्कुल। आज बहुत दिन बाद आदरणीय शरिता शर्मा जी के साथ काव्य पाठ कर रहा हूं, मेरा सौभाग्य है। कहीं ना कहीं व्यस्त रहती हैं विदेशों में। अभी प्रवीण भाई ने बताया मैं अमेरिका गया था। भाई साहब मैं कहीं नहीं गया, मैं मेरे को आज तक शादरे से आगे किसी ने नहीं बुलाया भाई साहब। ये अंतर्राष्ट्रीय कवि भाई साहब झूठ बोल रहे हैं कि अनिल देश के कोने कोने में गए, अंतर्राष्ट्रीय गए। मैं कहीं कभी कोने में नहीं गया भाई साहब। मैं कोने में क्यों जाऊं भाई साहब, मेरे पास अवैध रचना है जो मैं कोने में जाऊं। मैं तो खानदानी घर का आदमी हूं, मैं बीच में रचना सुनाता हूं भाई साहब, मैं किस लिए कोने में जाऊं। ये सुनाता है कोने में ताली, हाँ ये ताली बजनी चाहिए साहब हाथ खड़े करके, मजा आएगा साहब। ये मस्ती की बात है, आप खाली बैठे हो भाई साहब। हाँ बहुत मस्ती की बात बताना चाह रहा हूँ भाई साहब। कोने में किस लिए कोने में जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि, कोरी झूठ। अभी ये महेंद्र शर्मा आए थे भाई साहब, कोरी झूठ, विदेशों में गए, कभी नहीं गए भाई साहब। मैंने 10 साल पहले इनको फोन करा, अरे मैंने कहा महेंद्र भाई कहाँ, बोला अमेरिका। अरे मैंने कहा किस लिए, बोले कविता पाठ के लिए। मैंने कहा देख कितना झूठा आदमी यार, कविता पाठ के लिए अमेरिका भाई साहब, मैं आज तक सादरे से आगे नहीं गया ये अमेरिका। मैंने एक महीने बाद फिर फोन करा, मैं बोला महेंद्र भाई कहाँ, बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैं बोला पिछले महीने अमेरिका, आपकी बार स्विट्जरलैंड, यार हद होती है झूठ की। मैं घर गया भाई साहब, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहाँ है, बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांजे है। मैंने भाई साहब वहीं से टेलीफोन करा रहे, मैंने कहा महेंद्र भाई कहाँ, बोला कनाडा। तू कहाँ, मैं बोला दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार भाई। अनिल जवाब नहीं है तुम्हारा, बहुत अच्छे, बहुत मस्ती से सुन रहे हैं तमाम लोग बैठे हैं चेहरों पर। भाई साहब आजकल बड़ी टेंशन रहती है, आप देखोगे हंसी बड़ी मुश्किल से मिलती है साहब, हंसी आजकल है ही कहाँ हमारे चेहरे पर। और भाई साहब आपका तो बुरा हाल देख रहा हूँ, पत्नी साथ में बैठी हो, आप तो हंसी नहीं पा रहे भाई साहब। इतना जुलम तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई साहब। बहन जी कह दो इनको रामलीला का टाइम है, हंस लेंगे थोड़ा सा, इतना भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। नहीं पहले नारी को अबला कहते थे, अबला, आज नारी को सबला कहते हैं। अबला क्यों कहते थे आपको भी नहीं पता, मैं नई बात बताता हूँ और आपकी तालियां चाहूंगा साहब। अबला क्यों कहते थे और आज नारी को सबला कहते हैं? अबला इसलिए कहते थे खर्चे के थोड़े से पैसे मिलते थे, पैसे खत्म हो जाते थे, पति के पास जाती थी पत्नी, कहती थी पैसे खत्म हो गए, अबला अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। अनिल मित्तल साहब कितने कमाए, जितने कमाए सबला। मस्ती की बात रहती है साहब, महिलाओं का कोई, ये तो इतनी शांति से सुन रही है भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दियो भाई साहब, बैठ नहीं सकती, खड़ा नाश हो जाए कती, सच बता रहा हूँ। कई प्रकार के नाश होते हैं हरियाणा में। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घरवालों ने कहा तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, अगर हमको भी शेयर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। अरे बोला नहीं मचाएंगे, बिठा लिया अपने हेलीकॉप्टर में, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी पूरे परिवार को। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। भाई अनिल जवाब नहीं है तुम्हारा, तालियां बजा तो जरा। बहुत ये बहुत मस्त, हमारे तो हरियाणा का बुड्ढा बड़ा उस्ताद भाई साहब। और प्रदेशों के बुड्ढे जितने बड़े होते जाएंगे उतने धार्मिक होते जाएंगे। हरियाणा के 10% बुड्ढे इतने बड़े, जितने बड़े होते जाएंगे उतने ऊत होते जाएंगे भाई साहब। मैं अभी मेट्रो में बैठा, एक ताऊ मिल गया मेरे को, मेरे से बोला छोरे बलबीर का है? मैं बोला ना ताऊ बलबीर का कोनी, पिताजी के नाम से पूछ लेते ना उसका है क्या। अरे बोला बलबीर का है? मैंने कहा ताऊ मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं। पर ताऊ के कहां चैन है, हरियाणा का ताऊ था उस्ताद। अरे बोला बलबीर का है? मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन या, बैठ जा भाई, फिर गुफा में हो जाया। विशेष बात है साहब, दो मेडलों की बात करी, बेटियों की बात करी, ये संस्कारों का मंच है, बेटियों की बात पढ़ता हूं। आदरणीय मेरी बहन जी माताएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। आज बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है, सुनिएगा दोस्तों, और आपका प्यार चाहूंगा जितना आपने हादसे पे प्यार दिया है। दो पंक्तियां, चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। रुस्तगी जी कहां बैठे हैं? रुस्तगी जी आपका भी ध्यान चाहूंगा। रुस्तगी जी का कहां ध्यान है, खाने में ध्यान है रुस्तगी जी का। तो तीन तो डोसे खाली ही नहीं तक पहले, दो भाई साहब वो खाली, अभी क्या नाम है वो चिल्ले, और अब ये पाव भाजी निपटा रहे हैं भाई साहब।
पूरा ध्यान इनका खाने पीने पे, किसी कभी पे ध्यान नहीं दिया। एक बार पूरी टीम के लिए ताली बजा दो। हंसी मजाक की बातें बहुत हो सकती है, क्योंकि जिंदगी में टेंशन बहुत हो सकती है साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी। टेंशन का क्या क्या मतलब भाई साहब? टेंशन तो बाबूजी आप कहीं से भी ले लो। आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाने किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, सड़क टेंशन हो जाएगी। वो था कौन जो नमस्ते कर गया भाई साहब? अच्छा लुगाई साथ में हो, कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर ले, एक महीने टेंशन, बता कौन थी वो चुड़ैल? टेंशन का कोई मोल नहीं साहब, टेंशन कहीं से भी मिल सकती है। लेकिन चार पंक्तियां बेटियों के लिए कहता हूं, आज हम बेटियों को गर्म में मार देते हैं, तब चार पंक्तियां सुनिएगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छूलेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छूलेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छूलेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी। भाई अनिल बहुत अच्छे। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर ट्रेसा लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में। हर काम नारी कर सकती है, बस एक काम नहीं कर सकती, कभी किसी दमकल विभाग में फायर ब्रिगेड स्टेशन में कोई महिला काम करते हुए नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है भाई साहब? ये तो लगा सके है। और ये जो चार आदमी आगे बैठे हुए हसरेन के घर में लगी पड़ी है, तालियां एक बार हाथ उठा के बजाओ, पता चले साहब क्या कवि सम्मेलन होने जा रहा है। अनिल भाई का सतमोला का कार्यक्रम बेहतरीन कार्यक्रम साहब, आपको भी नमन करता हूँ। मुकेश भाई बैठे हैं, दिनेश गुप्ता जी बैठे हैं, यतेंद्र गुप्ता जी, तमाम टीम को नमन करता हूँ। लेकिन दोस्तों दो मेडल जीते केवल हमारी बेटियों ने जीते ओलंपिक में, वो चले गए ना, ओम प्रकाश जी तो नहीं है यहाँ पर, अरे बैठे हैं क्या बाबू जी, माफ कर देना मैं एक आधी बात मस्ती की करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले मन ने की है, मैं तो बन चुका मर्द तरी, जो तेरा मन करे वो कर। भाई साहब दो मेडल जीते हमारी बेटियों ने ओलंपिक में, आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई। उसी दिन केजरीवाल साहब का एक बयान आया, सबसे ज्यादा तालियां चाहूंगा अभी तक की केजरीवाल साहब क्या बोले जब दो मेडल बेटियों ने जीते, तो केजरीवाल साहब ने क्या बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया, हर काम में मोदी। पांच कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता, बाकी में चार में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। ओम प्रकाश जी बैठे, इनकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं साहब, मेरे बड़े भाई होते हैं, कहते कुछ भी कह ले यार क्या फर्क पड़ता है, इससे मुझे मस्ती की बात होती है। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब, अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने काले धन का, वो 8 नवंबर को नोट बंद हो गए भाई साहब, एक नकली नोट वाला जिसका अब तबाह हो गया भाई साहब, बोला अनिल भाई मर गया मैं तो, बर्बाद हो गया। अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार मोदी जी ने मरवा दिया यार, सारा धन नाश हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? सुधर जा, मैंने कहा तेरे पास काला धन होगा। बोला काला धन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार एक रात में निपटा दोगे। अरे मैंने कहा मोदी है उसका नाम भाई साहब, पता नहीं वो क्या निपटा दे। बोले क्या क्या निपटा सकता है वो? मैंने कहा वो हर चीज गोरी कर देगा जो काली है। बोले तू कैसे कहेगा? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति, ये बहुत अच्छी टिप्पणी थी, ताली नहीं बजाई लोगों ने। मैंने कहा ओबामा काला था देख ले गोरा कर दिया। बोले लेकिन यार मेरा तो दिल रो रहा, अगर मोदी जी मिल गए तो चार पंक्तियां कहना चाहूंगा, सुनिएगा मस्ती लीजिएगा, खास से कहां से निकाला प्रवीण भाई सुनिएगा क्या बोले मोदी साहब, वो क्या बोला कि मोदी मिल गए तो मैं कैसे पीड़ा व्यक्त करूंगा, सुनिएगा साहब। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूट में ही सारी जीभ को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो जियो जियो। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और हाथ उठा के तालियां चाहूंगा चौथी पंक्ति पे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। भाई बहुत अच्छे भाई साहब, बुरा हाल हो रहा है, एक से एक मिल रहे हैं। अभी राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान को निपटाना, ये कभी बड़े दुखी रहते हैं भाई साहब, पाकिस्तान निमट ही नहीं रहा किसी से। अभी ये आए थे महेंद्र भाई, ये हास्य रस के कवि हैं भाई साहब,
इनके मन में एक बार वीरस जाग गया मंच पे सुन के हरिओम पवार जी को, तू भी वीरस का बन जा भाई साहब। चीखने लगे चिल्लाने लगे, घर में गए घंटी बजाई, बेटा आया बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। बच्चे ने सोचा पापा पागल हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसके, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। अंदर से मम्मी को बुला के लाया, बोला मम्मी देखना पापा के क्या हो गया, अब लगाओ अगला, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, एक से एक पड़े हैं भाई साहब। बोला हमारे हरियाणा में तो वैसे भी बहुत मस्ती है भाई साहब। वो एक का रिजल्ट आ गया, पिताजी ने पूछा हाँ भाई तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ, बोला होना क्या था वो सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोला मैं तेरी पूछ रहा हूँ, तू करा सरपंच, तेरा क्या हुआ, बोले जी डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया डॉक्टर का हो गया अपनी बता, बोले जी प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ, बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है, तेरा भी नहीं बटल लिया आप क्या, इधर के लोग ताली नहीं बजा रहे साहब, एक बार तालियां बजाओ जोरदार। ये बात अनिल बहुत अच्छे। अब बुलाया साहब राष्ट्रपति ने चार लोगों को कि पाकिस्तान को निपटाना है, चार लोग देश में से गए भाई साहब। पहले तो बाबा रामदेव को बुलाया, बोले भाई वो निपटा सके है पाकिस्तान ने। दूसरे नंबर पे बुलाया केजरीवाल साहब को कि भाई साहब ये भी निपटा सकता, निपटा नहीं गई, निपटाएगा नहीं तो कम से कम नाक में दम जरूर कर देगा। केजरीवाल साहब को बुलाया, तीसरे बुलाए मोदी जी कि ये भी पाकिस्तान को निपटा सकते हैं, और चौथा आदमी जो बुलाना जरूरी था भाई साहब, अगर आपको गर्व हो, इन कमेटी को गर्व हो और कवियों को गर्व हो कि किसको बुलाया, आप नाम सुन के ताली बजाना, चौथा कवि आदमी था भाई साहब मैं जिसे बुलाया। इधर के लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये मेरे से चिढ़ते हैं, तुम्हें बुलाया कभी राहुल ने, मेरे को मोदी जी ने, राष्ट्रपति ने बुलाया भाई साहब। बोले पाकिस्तान को निपटाना कैसे निपटाओगे, अब चारों लोगों ने अलग अलग बताया पाकिस्तान को कैसे निपटाएंगे। मस्ती की बात है, मस्ती में लीजिएगा साहब, सुनिएगा एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा साहब कैसे निपटाएंगे। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। बहुत अच्छा है। रामदेव अच्छा बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। आपको समर्पित ओम प्रकाश जी, सुनिएगा कहां गए आप, क्यों रुकेंगे वो। रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। वाह वाह। और तालियां आप चाहिए पूरे सदन की साहब, कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। आपने देखा होगा भाई साहब जब चुनाव होते हैं कोई नेता बयान देता है, बता देना कितनी देर पढ़ना है। हाँ, कभी अच्छे अच्छे करते रहो और पीछे गाली बकते रहो, इनका कुछ नहीं पता भाई साहब, ये पता नहीं क्या। हाँ, एक से एक कवि पढ़े हुए हैं। ये महेंद्र शर्मा जी भाई साहब या मंच पे इतना बोल रहे थे, शादी हुई इनकी, शादी की अगली रात अपनी लुगाई से अपनी पत्नी से भाई साहब 1 घंटे तक एक शब्द नहीं बोल पाई। ये शादी की पहली रात एक शब्द नहीं बोल पाए पत्नी से, 1 घंटे बाद बोले तेरा नाम केस है। युवा भी छठी हुई हरियाणा की थी, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब, एक छंद से जोड़ना चाहता हूं ये बात। 5 मिनट और सुना। हाँ साहब सुनिए। बड़े भाई हैं हमारे, वो कह रहे हैं यार सारी बात मत बताया कर। अच्छा पवार जी को कोई चिंता नहीं, अगलों ने ब्याह ही नहीं कराया यार, किस लिए बोलना चालना, पड़े रहो अपने मस्ती में सारी रात। पवार जी हमारे बड़े हैं, सरिता जी बड़ी हैं, और प्रवीण भाई उम्र में मेरे से जरूर छोटे हैं लेकिन साहित्य में मेरे से बहुत बड़े हैं। साहब एक बार प्रवीण भाई के लिए तालियां बजाओ। अगर देश में कोई युवा ऐसा कवि है जो पूरे देश का संचालन करता कवियों का, किस मन से उनको आगे बढ़ाते हैं, इसमें प्रवीण भाई का बहुत बड़ा योगदान है। ये चमचागिरी मैंने इसलिए इनकी करी है क्योंकि इनके नंबर पे ये मेरी ऐसी तैसी ना करें। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मैंने कहा फिर शौचालय किस लिए बनवा रही हूं। कि सत्ता को संभालते ही, यार इधर के लोग ताली कम बजा रहे हैं, इधर आ जाऊं भाई साहब, आप तो बजा ही रहे हो। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं,
और अखिलेश बोले अब जिंदगी में, अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी एशियाई किल चलाने नहीं दूंगा मैं। ये बात कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी व्यापारी मंच बैठा साहब, तालियां बजाना, नई बात कह रहा हूं, कोई घबराने की बात नहीं है, पावन राम का मंच है। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और चौथी पंक्ति में फिर तालियां साहब, मस्ती की बात है कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई। भाई साहब सर्जिकल स्ट्राइक करी मोदी जी ने, सारे परेशान हो गए पाकिस्तान के लोग। अरे बोले सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, यही कर लूंगा ये, हाँ पर अब ये मैंने सेट कर दिया, बजाओगे भाई ताली बजा देना यार। हाँ ये तो वैसे भी बजा रहे हैं, मेरे से खुश हैं सारे लोग, अच्छे कवि से खुश हो ही जाते हैं लोग। आ जाओ भाई साहब, मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी एक साथ आ रहे हैं, सच बता रहा हूं भाई साहब, बुरा हाल कर दिया। अभी एक पत्रकार ने पूछा मोदी जी से, मोदी जी सुना है आपका भी वही स्टेटस है जो मनमोहन सिंह जी का था, वो भी खामोश रहते हैं। मोदी जी बोले खबरदार मेरे बारे में ये बात करी, मैं मनमोहन सिंह की तरह खामोश रहने वाला नहीं हूं। बोले फिर आपका क्या स्टेटस है, सुनिएगा साहब चार पंक्तियां सुनाता हूं, मोदी जी क्या बोले पत्रकार से, और आपकी तालियां चाहूंगा। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती ड्यूअल सिम फोन है। के ओबामा को भा गई जो दुनिया में छा गई है, ओबामा को भा गई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, दाऊद भी मानता है कि भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। ऐसे ही खाम खानी भाई साहब सर्जिकल स्ट्राइक करी, उधर नवाज शरीफ परेशान हो गया, आपने मिलिट्री चीफ को बुलाया। अरे बोला इतना बड़ा देश हिंदुस्तान, हरियाणा वहां पर, दिल्ली वहां पर, उत्तर प्रदेश, कितने सारे प्रांत हैं, एक बार पता करो आखिर कौन से प्रांत के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करा, घर में घुस के हमें मारा, किसकी हिम्मत है। तो मिलिट्री चीफ वही खड़ा हुआ था, बोला जी मैं बता सकता हूं कौन से प्रांत के लोग आए थे। बोले बता। बोला जी हरियाणा से आए थे। बोला तेरे को कैसे पता भाई, हरियाणा के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करा। बोला एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रैप्टा। तालियां बजाने की बात थी भाई। अनिल वो थानेदार वाली सुना, हाँ। तब मेरे को विश्वास हुआ हरियाणा के आदमी थे। नवाज शरीफ बोला मोदी जी बहुत हो चुका, अब हमें को माफ कर दो। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं है। बोले हाथ जोड़ता हूं। मोदी जी बोले कोई हाथ बात नहीं जोड़ने। बोले पैर छूता हूं। मोदी जी बोले छू, पैर तो छुआओ अगले से। बोले दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, 65 साल हो गए लड़ते हुए, अब कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। और डर गया अगला सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, मोदी जी से माफी मांगने लगा। मोदी जी बोले ऐसे माफ नहीं करूंगा। बोले कैसे करोगे? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। 12:30 बजे बहन जी मेरे पास फोन मोदी जी का, इनको यकीन नहीं आ रहा, ताली नहीं बजा रहे लोग। 12:30 बजे आया था भाऊजी मेरे पास फोन, मेरे पास आया फोन। बोले अनिल भाई पाकिस्तान को निपटाना, निपटा दे। मैंने कहा निपटा दो। बोले कोई परेशानी? मैंने कहा कोई परेशानी नहीं, देश को फायदा होगा। बोले तेरे पास ऐसी क्या बात है? मैंने कहा हरियाणा का आदमी हूं भाई साहब, यहाँ दिल्ली में रहता हूं, मेरे पास बहुत बड़ी बात है, कविता में बहुत ताकत होती है। 4 पंक्तियों में भाई साहब मैंने कहा पाकिस्तान से प्यार जुड़ जाएगा और देश को कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। बोला अच्छा ठीक है। 4 पंक्ति मैंने मोदी जी को सुनाई, मोदी जी ने नवाज शरीफ को सुनाई, दोनों देशों में प्यार कैसे जुड़ेगा आपने कभी नहीं सुनी होगी अभी तक की। सबसे ज्यादा तालियां चाहता हूं मंच की भी, सुनिएगा मैंने क्या 4 पंक्ति सुनाई। हर्ष और उल्लास की बात है, मस्ती की बात है, चेहरों पर मुस्कुराहट है साहब, दशहरे का अवसर है। सुनिएगा कि जो भी है तकरार की बातें, जो भी है तकरार की बातें। ये बहन जी सुन रही है, कितने अच्छे मन से सुन रही है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। ये बड़ी बात है कि इतनी देर महिला चुपचाप, अभी मैं दिल्ली में कवि सम्मेलन भाई साहब, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट हो गए गुस्से में बाबू जी घूरे जा रही। मैंने कहा बहन जी को गलती हो गई क्या? बोले नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। पता नहीं लुगाई कहां निपटाते भाई साहब, मेरे को याद आ गया इनको देख के कितनी शांति से सुन रही है, देखो कितना हंस रही है बहन जी इस बात पे। मैं वापस उसी बात पे आता हूँ भाई साहब, दोनों देशों में प्यार कैसे जोड़ना है। मैंने मोदी जी को 4 पंक्ति सुनाई, मोदी जी ने नवाज शरीफ को सुनाई, दोनों देशों में प्यार कैसे जुड़ेगा, हाथ उठा के तालियां चाहूंगा। सुनिएगा मस्ती की बात है साहब, क्या मैंने कही उनको कि जो भी है तकरार की बातें,
जो भी है तकरार की बातें दोनों देशों में, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही, पाकिस्तान से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे, और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे, तुम अच्छी सी। बहुत प्यार मिला है, सारे लोग कितने खुश हैं भाई साहब, ये हमारे देश की एकता है, चाहे कोई झाड़ू वाला हो चाहे कोई फूल वाला हो, राहुल की शादी में सारे राजी हैं भाई साहब, एक बार तालियां बजाओ जोरदार साहब, मैं पूछना चाहता हूं मुझे क्या पढ़ना है। एक मैं विशेष रचना है, हाँ हाँ जो जी करे तेरा वो सुना दे भाई, हरियाणा का किसकी मानेगा, जो जी करे करना तो वही है पूछने। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई साहब, मेरे को याद है हरियाणा की ये मोटी महिला भैया, नहीं आई इतनी तगड़ी, और आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है भाई साहब, मेरे को क्या जरूरत है पंगा मोल लेने की, ये मोटी महिला भाई साहब 250-300 किलो की, और मरियल सा पति 30-40 किलो का, पति बताता हूं मैं कहां बैठा है। भाई साहब ये भी फालतू है, इनके भी खड़े करके दो टुकड़े कर दो इतना सा, ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का, उसको ले गई टैटू वाले के पास, टैटू वाला हरियाणा का था, जाते ही बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अब टैटू वाले ने पहले तो पति देखा भाई साहब, इतना मरियल सा पति, इतना सा उसका हाथ, बोला इस पे बनवाएगी जंगल का राजा, भाई साहब इतनी सी उसकी कलाई, बोला इस पे सांप बनेगा, और ये सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरावा सांप बनेगा ऐसे लंबा पड़ा हुआ, और ये सांप इसी साल बनवा लियो नहीं अगले साल केचवा बनाना पड़ेगा। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार साहब मिलके। भाई अनिल बहुत अच्छे। दोस्तों प्रवीण भाई ने मेरे को जिस कविता का कहा है वो बहुत टाइम से ही मेरे को बहुत मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम मंच पर किसी के बारे में कुछ कहते हैं केवल आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए, एक दूसरे से छेड़खानी कर लेते हैं, एक दूसरे का मजाक करते हैं केवल आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए, वरना प्रवीण भाई का साहित्य में जो कद है, पूरे देश में जो कद है वो सब लोग जानते हैं। महेंद्र भाई जिनसे मैंने सीखा है, आदरणीय हरिओम पवार जी, मेरी बहन सरिता शर्मा जी, और डॉक्टर साहब को आपने सुना दोस्तों, हास्य कविताएं बताया सब टीवी पर, मेरे बहुत सारी हास्य कविताएं आई, लेकिन मैं उन हास्य कविताओं के अलावा आज इस मंच से, क्योंकि पवित्र मंच है, एक नई कविता सुनाना चाहता हूं साहब, आपका प्यार चाहता हूं उस नई कविता के लिए, 2 मिनट की कविता है, 3 मिनट की, लेकिन मैं चाहता हूं इस पावन मंच से वो नई कविता मैं सुना दूं। स्वागत स्वागत। हास्य बहुत हो गया दोस्तों, हास्य कितना भी कर लो, लेकिन मैं चाहता हूं संस्कारों की कोई बात मन से होनी चाहिए, पर कविता तो मैं जब सुनाऊं जब मेरे पास हो। अच्छा अनिल एक काम कर, मैं बता रहा हूं, यदि नहीं है तो शहीद वाली सुना दे, मैं चाहूंगा एक बहुत भगवत जी की भी रुचि मैं जानता हूं अपनी भी, क्या बात, शहीदों पर एक अद्भुत गीत लिखा है अनिल ने, और हरिओम पमार जी के अतिरिक्त कोई वीर रस का कवि भी आज नहीं है यहां पर, तो मेरा मन यह है कि शहीद वाला गीत ऐसा अद्भुत गीत है कि आप सोच नहीं सकते कि अनिल अग्रवंशी ने यह गीत लिखा होगा, मैं चाहूंगा एक बार भरपूर तालियां बजाइए, देश के शहीदों को समर्पित एक अद्भुत गीत है वो अनिल पढ़ दें, अनिल वही पढ़ दीजिए। खैर प्रवीण भाई का जवाब नहीं मुकाबला नहीं, जहां कहीं अच्छी बात होती है, जहां कहीं अच्छे श्रोता होते हैं, उनका ये मन होता है कि मंच पर अच्छी बात हो, अच्छी कविताएं हो, हास्य के लिए मेरे को जाना जाता है, पूरे देश में हास्य के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जिस गीत की उन्होंने डिमांड की है वास्तव में वो गीत एक बेहतरीन गीत है साहब, और मुझे लगता है जितना मैंने अभी तक आपको सुनाया है उससे कहीं बेहतरीन वो एक गीत है साहब, लेकिन एक मन करता है कि इस गीत के अंदर थोड़ा सा शांति इसलिए चाहिए क्योंकि बड़े मन का गीत है साहब, बड़े दर्द का गीत है, हल्का सा मैं चाहूंगा इसका ई को हल्का सा बढ़ा दिया जाए क्योंकि गीत पढ़कर बोलना है। कहाँ गया वो इधर से कंट्रोल है उसका, इसका ई को थोड़ा सा बढ़ा दो, इसका खत्म कर दो, इसका मेरे वाले का प्लान कर दो, अनिल वाले में बहुत हल्का समझ नहीं आ रहा किसका कर दे, अरे डेरा प्रमुख का खत्म कर, हाँ और मेरा खोल, डेरा प्रमुख तो खत्म करना ही है, चल ठीक है, तालियां बजानी चाहिए थी, इतनी बड़ी बात मजाक मजाक में आ गई साहब, चलिए साहब दोस्तों, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तू तो परली राम लीला में आ रही आवाज मेरी, थोड़ा कम कर दे, तू तो मस्ती में आ गया यार, इतना थोड़ी ना होता, थोड़ा सा खोलना है, हाँ अब भी जाता है दोस्त, आवाज गूंजनी नहीं चाहिए, और कम करो, और कम, अब तो पहले जैसा कर दिया चल ठीक है बेटा, ये तो मस्ती की बात थी, ये जितने लोग बैठे हैं मंच पर बैठे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी के चरणों में मैं ये कविता समर्पित करता हूँ,
और बेटा आप थोड़ी देर, बच्चों मेरी प्यारी बेटियां बैठेंगी, मुझे लगेगा ये गीत आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा। साहब आपने बहुत गीत सुने होंगे वीरस के, आदरणीय हरिओम पंवार जी जो गीत पढ़ते हैं, साहब मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं जो पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग प्रयोग इस्तेमाल किया है। और जब मैंने गीत पहली बार जिंदगी में पढ़ा तो आदरणीय हरिओम पंवार जी ने बड़े हृदय से मेरे को इतना सम्मान और प्यार दिया कि अनिल तेरा यह गीत मुझे बहुत पसंद है, मेरी तरफ से तेरे को साधुवाद। मुझे आशीर्वाद मिला आदरणीय हरिओम पंवार जी का, साहब आपके समक्ष वो गीत रखता हूं। एक सैनिक सीमा पर लड़ता है, साहब सैनिक सीमा पर लड़ता है, केवल वो लड़ता है जो गरीब होता है। नेताओं के बेटे सैनिक सीमाओं पर नहीं लड़ते, साहूकारों के बेटे नहीं लड़ते साहब, गरीबों के और किसानों के बेटे सीमा पर लड़ते हैं। और जब सीमा पर वो लड़ते हैं, हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं, हमारे सैनिक भाई हैं, जब वो सीमाओं पर लड़ते हैं, पूरे देश की हिफाजत करते हैं, तब कहीं हम उत्सव मना पाते हैं साहब। एक सैनिक के गोली लग जाती है साहब, मरने वाला है, बिल्कुल अंतिम कगार पर है, उसके मन में कुछ पीड़ाएं हैं, वो कुछ बात कहना चाहता है साहब लोगों से, अपने मन की बात कहना चाहता है। छोटा सा गीत है, सुनिएगा, सैनिक का दर्द क्या हो सकता है, वो अपने अच्छा मन की बात क्या कहता है। सरिता जी सुनिएगा साहब, बहुत बढ़िया रचना है, बड़ी ही सादी भाषा में मैंने इसको बड़ा ही सरल भाषा के अंदर कहा है साहब। गोली लग गई, सैनिक को नहीं पता कब मर जाऊंगा, क्या बात कहता है सुनिएगा साहब। कि श्वास का अंतिम प्रहर हूं, श्वास का अंतिम प्रहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। उसे पता है जब मेरा शव घर पे जाएगा तो मेरी माँ कितनी बेचैन होगी, मेरी पत्नी पर क्या गुजरेगी, मेरी माँ क्या सोचेगी। उसने संदेश दिया कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, जब मेरी लाश घर जाए तो कह देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मुकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। परेशानी होती है उस शहीद को जब हम मर जाते हैं, हमारे नाम से बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं, हमारी विधवाएं लाइनें पेंशन के लिए लाइनों में लगती है साहब, कोई सुनवाई नहीं होती। आदरणीय ओम प्रकाश जी बैठे हैं, बहुत मन के व्यक्ति हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, इंसानियत से जुड़े हुए हैं, मानवता से जुड़े हुए हैं, आपके चरणों में समर्पित करता हूं साहब। सैनिक का दर्द सुनिएगा साहब, सैनिक क्या कहता है। कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, वाह वाह, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, कर दो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हम, वाह 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 वाह, फिर हमारी राम राम। भाई बहुत अच्छे अनिल। ये बड़ापन है उस बड़े कवि का, जो अपने से छोटे पौधों को अगर इस प्रकार सींचेगा तो जरूरी बात है कि हम लोग भी कहीं हमारी कलम में ताकत आएगी। मैं चाहता हूं पंवार जी के लिए एक बार जोरदार ये ताली बजाइए। अनिल बहुत अच्छा। एक शिकायत हो रहा है शहीद को, साहब हम आपस में लड़ते मरते रहते हैं, सजाएं भुगतते हैं सैनिक,
नेता अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, भुगतते हैं वो, हम धर्म जाति में लड़ते रहते हैं, भुगतते हैं सेना हमारे लोग, हम नहीं मरते साहब कभी भी, नेता कभी नहीं मरते, वो सैनिक मरते हैं, कसूर हमारा होता है। तब भी वो सैनिक क्या कहता है साहब, सैनिक का दर्द सुनिए, कि हर किसी को भारती की अस्मिता से प्यार हो, हर किसी को भारती की अस्मिता से प्यार हो, हर कोई इस देश की सीमा का पहरेदार हो, हर कोई इस देश की सीमा का पहरेदार हो, पहले दिल में देश धड़के, पहले दिल में देश धड़के, भूल कर झगड़े तमाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। और दोस्तों अंतिम तीन पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, लेकिन इन तीन पंक्तियों में चाहता हूं वो सब पढ़ दूं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा साहब, आपको अच्छा लगेगा, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। भैया बैठ जाओ एक बार, जरा सुनिएगा, अंतिम तीन पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच का ध्यान चाहूंगा साहब। सैनिक को पता चल जाता अब तेरी मौत होने वाली है, तू मरने वाला है, शहीद होने वाला है, इस माता पे कुर्बान होने वाला है, उसे पता चल जाता है साहब। कैसे पता चल जाता है, और आप देखो एक सैनिक की क्या भावनाएं हो सकती है, क्या सोच हो सकती है साहब। उसने अपने मन की बात कह दी, अब उसे लगता है कि तेरे को मरना है, तो साहब क्या कहता है, कैसे पता चलता है, कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, भाई कमाल ही है, भीतर से आवाज आती है साहब उसके, कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, अलविदा है दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा है दोस्तों अब नींद सी आने लगी, मूंद कर आंखें करूं मैं, शहीदों के चरणों में भरपूर तालियां बजाना साहब, के मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, श्वास का अंतिम प्रहर हूँ हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम फिर हमारी। धन्यवाद।